अगली खबर है चुनावी मुद्दों को लेकर, जहां प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में 27 सितंबर को पार्षद पदों के लिए वोटिंग होगी। सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले का है। यहां 6 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। कमलनाथ के गढ़ में सेध लगाने के लिए बीजेपी ने 3 गुना ज्यादा ताकत लगाई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने मोर्चा संभाला है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अकेले कमलनाथ इलेक्शन कैंपेन को संभाल रहे हैं। अकेले छिंदवाड़ा जिले में सीएम ने 3 चुनावी सभाएं की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने चुनावी सभाओं के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर रणनीति तैयार की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए बड़ा दांव खेला है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने 18 साल के कार्यकाल में प्रदेश को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, रेप में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। जब हम सत्ता में आए तो इस तरह का प्रदेश भाजपा ने हमें सौंपा था। उन्होंने कहा कि मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया तो क्या कोई अपराध किया? मैंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी तो कौन सा गुनाह किया? मैंने गौशाला खुलवाए तो कौन सा गुनाह किया? उन्होंने कहा कि आचार संहिता का समय निकाल दे तो उन्हें सिर्फ 11.5 महीने मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने को मिला था। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ कलाकारी की राजनीति करते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। मैं घोषणा नहीं करता हूँ लेकिन आज कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी। छिंदवाड़ा के रामाकोना में सीएम ने मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत को तोड़ने का पाप कांग्रेस ने ही किया था। कश्मीर में एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो धारा 370 समाप्त कर दी गई। अब कोई 2 निशान और 2 विधान नहीं है, केवल 1 विधान हिंदुस्तान में बचा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसमें कांग्रेस ने समरस नहीं होने दिया। सीएम ने कार्यक्रम में ही अफसरों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में सीधे सवाल किए। सीएम ने गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर मौके पर ही अफसरों पर एक्शन भी लिया। 27 सितंबर को 46 निकायों में मतदान होना है। इनमें छिंदवाड़ा जिले के मोहगांव, हवेली, हररई नगर परिषद और पांडुर्णा, सौंसर, दमुआ, नारदेव नगर पालिका में पार्षदों के लिए वोट डाले जाएंगे। छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं। ऐसे में इन निकायों में जीत हासिल करने के लिए पिता पुत्र की साख दांव पर लगी है। हालांकि कमलनाथ कह चुके हैं कि ये लोकल चुनाव है। बीजेपी ने 18 जिलों के 46 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए राष्ट्रीय नेताओं को भी मैदान में उतारा है। कैलाश विजयवर्गीय ने खंडवा और खरगोन में मोर्चा संभाला तो फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला डिंडोरी में पार्षदों के लिए वोट मांगने पहुंचे। विंध्य क्षेत्र के निकायों में पार्षदों को जिताने के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव सागर और दमोह जिले में निकायों में जीत हासिल करने की रणनीति बना रहे हैं।